चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर, देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में और यहां से जो प्रत्याशी है रीना तोमर जी वो मेरे साथ हैं। अब जानेंगे इनसे कि इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं। रीना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी आप सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। अच्छा रीना जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है और चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? मुझे चुनाव चिन्ह, मुझे क्या सभी क्षेत्रवासियों का चुनाव चिन्ह है, गमला मिला है। और चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है? चुनाव की अच्छी तैयारियां चल रही है। अच्छा रीना जी, जैसे आप महिलाएं हैं और आप चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर आपको वार्ड की जनता ने विश्वास जताया और आपको विजय बनाया, तो आप महिलाओं के लिए क्या स्पेशल करेंगे? मैं महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, जैसे छोटे गांव हैं, मैं फील्ड में हूँ, देख रही हूँ, बहुत समस्याएं हैं सभी को। कई गांव में स्कूल नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, ये जो रास्ते हैं ये कच्चे हैं, टूटे फूटे हैं। मैं अपनी तरफ से सभी चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रास्ते टूटे फूटे हैं, तो अक्सर महिलाओं को गांव से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन चुनाव प्रचार में जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये रास्ते टूटे फूटे हैं, क्यों नहीं बने आज तक? इसके बारे में तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर गाँव में स्त्री का सम्मान हो और उन्हें अपने गाँव से ही सुविधा हर प्रकार की मिले। अच्छा, जैसे आपको चुनाव चिन्ह बताया, आपने गमला चुनाव चिन्ह मिला है, तो इसमें किस तरीके का आप फूल खिलाना पसंद करेंगे, किस तरीके से इसमें फूल खिलाया जा सकता है? देखिए, गमला चुनाव चिन्ह मेरे नाम से है, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों का है। खिलाना तो सभी जनता को है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, कभी इस गमले के फूल मुरझाने नहीं दूंगी। अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब पूरे क्षेत्र की जनता मिलकर इसमें पौधा लगाएगी और फूल खिलेंगे, तो कहीं ना कहीं खुशबू पूरे क्षेत्र में फैलेगी। और आपने जो वादा किया है कि जो इसमें फूल खिलेंगे उसको आप मुरझाने नहीं देंगे। अच्छा रीना जी, जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, और हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, क्या किसी बड़ी पार्टी का आपको समर्थन मिला है या अभी तक नहीं मिला है? अभी नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको समर्थन की उम्मीद है, किस पार्टी से समर्थन मिल सकता है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने कभी अपनी पार्टी नहीं बदली। मैं भी, मेरे जो ससुर जी थे जयपाल सिंह जी, पूर्व प्रधान, वो भी इसी लोक दल से जुड़े हुए हैं। तो मैं पूरी पूरी उम्मीद रखती हूँ कि अगर वार्ड नंबर 9 में सिंबल हुआ तो मेरा ही होगा। चलिए, आपने बताया कि आप लोकदल से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और आपको उम्मीद है कि लोकदल से ही आपको समर्थन मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, तो आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता कि जिस तरह से 2014 में और 2017 में और 19 में बीजेपी ने लोकदल को पछाड़ दिया था, कहीं अब की बार ना ऐसा हो जाए? नहीं जी, जो भी होगा वो तो देखो सभी का है, क्षेत्रवासियों का है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं लोकदल की, जो आम जनता है, मैं उन्हीं के साथ हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि लोकदल का परचम ही लहराएगा? हाँ जी, मुझे विश्वास है कि लोकदल का अब की बार क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। रीना जी, जैसे हमने बात की महिलाओं की और लड़कियों की, कहीं ना कहीं आपका जो क्षेत्र है इसमें जो युवा है उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं फील्ड में हूँ तो देख रही हूँ, युवा भी अपनी जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, बहुत गांव में खेल मैदान नहीं है, जैसे युवा हैं खेल मैदान मिले उन्हें तो उससे खेल की तरफ आगे चलें, उससे पढ़ाई हो ना हो उन्हें शिक्षा मिलेगी, खेल में व्यस्त रहेंगे तो जो ये गंदी चीज़ों में बड़े हुए हैं उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि जो युवा है अगर उसका ध्यान खेल की तरफ लौटा, कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करके वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने
गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा रीना जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आप पिछले लंबे समय से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्या किसी तरह की कोई परेशानी आई है प्रचार में? जी नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं आई, सभी क्षेत्रवासी मेरे साथ हैं, मुझे उनकी तरफ से पूरा सम्मान मिल रहा है। रीना जी, जैसे कोरोना काल भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ गाइडलाइंस है जिनको हम फॉलो करते हैं, तो कोरोना काल की वजह से आपको कोई प्रचार में कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं भी कोरोना काल के हर नियम निभा रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे काम में कोई रुकावट हो। रीना जी, आप क्षेत्र की जनता है, जो वार्ड 9 की जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगी कि ये जो गमला चुनाव चिन्ह है, ये मेरा नहीं, सभी क्षेत्रवासियों का है, और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से अपना मूल्य वोट देकर इसे विजयी बनाएं। तो ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी रीना तोमर, वाइफ ऑफ अजीत तोमर, ये यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इनका चुनाव चिन्ह गमला है, और इनको उम्मीद है कि जो इनको चुनाव चिन्ह गमला मिला है, सभी क्षेत्रवासी इसमें मिलकर पौधा लगाएंगे, और उससे जो फूल खिलेगा उसको रीना तोमर हमेशा संजो के रखेगी, उसको कभी मुरझाने नहीं देगी। अब देखना यह होगा कि वार्ड 9 की जनता इनमें कितनी उम्मीद रखती है, इनमें कितना विश्वास रखती है, और इनके कितने भारी मतों से इनको विजय बनाती है। अब देखना यह भी होगा कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं और माँ भगवती इन पर अपना आशीर्वाद बनाती है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।